नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल यहाँ पे वाईफाई स्टडीज पे, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अपार्ट फ्रॉम एकेडमी एंड चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। तो साथियों जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास के अंदर। देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत के अंदर बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क और यहाँ पे खासकर प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो साथियों ये जो क्लास है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, उन सबको इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। तो साथियों क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजों को यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और साथियों देखिए एक बात और है कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पे क्लास को शेयर नहीं करती, अच्छी बात नहीं है। ये आप लोग डिसाइड करेंगे ये क्लासेस मेरी यहाँ पे होने वाली कि नहीं होने वाली। अगर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो भैया कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जितना प्यार करते उतना प्यार तो करते नहीं है। चलो देखो, तो यहाँ पे शुरू करने से बता दो मेरे साथियों कि आप यहाँ पे अनअकैडमी की किसी भी सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज HTSR10। यदि आप यहाँ पे अनअकैडमी का SSC सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, तो ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज HTSR10 एंड सेव मनी। बहुत सारे फायदे हैं, आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं एप्लीकेशन पे स्ट्रक्चर वे में, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ द लाइव टेस्ट और यहाँ पे हेल्प ऑफ द क्विजेस। चलो साथियों जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, हम क्लास को शुरू करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि भारत में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कैसे कैसे नेशनल पार्क हैं और यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। तो मैंने इस क्लास के अंदर देखिए दो टॉपिक्स को एक साथ मर्ज किया है, एक है नेशनल पार्क और दूसरा कौन सा है प्रोजेक्ट टाइगर। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए मैंने जिनसे एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं। कोई फालतू की बकवास ही करेंगे, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर। चलो बच्चे सुनो, अगर आप देख पाएंगे बच्चे तो भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बच्चे देखिए जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ये पड़ता है इन द रीजन ऑफ द ले। आप जानते हैं जो ले पड़ेगा बच्चे वो कहां पड़ता है, ये पड़ता है कहां पे देखिए लद्दाख में, और लद्दाख के देखिए कैपिटल भी यहाँ पे कौन से पे ले है। और यहाँ पे बहने वाली जो नदी है वो कौन से पे सिंधु नदी है बच्चे, कौन से पे सिंधु नदी है जिसे बोलते हैं इंडस रिवर। तो इंडस रिवर के पास में ही भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिसहाई नेशनल पार्क। याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है मेरे साथी वो कौन सा पे हेमिसहाई नेशनल पार्क है, जो पड़ता है कहाँ पे ले जनपद में, कहाँ पड़ता है बच्चा पे ले जनपद में पड़ता है। और ये फेमस क्यों है, ये फेमस है अपने यहाँ पे चीतों के लिए। यहाँ पे जो देखिए स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे कि ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है अपने स्नो लेपर्ड्स के लिए। यहाँ पे हेमिसहाई नेशनल पार्क को कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1981 में, और इसका जो टोटल एरिया है वो है 4400 स्क्वायर किलोमीटर का, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथियों ये जो हेमिसहाई नेशनल पार्क है ना, ये लार्जेस्ट यहाँ पे नेशनल पार्क है इन द साउथ एशिया। तो साउथ एशिया के अंदर यहाँ पे सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा पे हेमिसहाई नेशनल पार्क है। कहां पड़ता है, ये पड़ता है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, और यहाँ पे कहां पड़ता है ले में, किस नदी किनारे पड़ता है बच्चे याद कर लीजिएगा, यहाँ पे जो नदी बढ़ती है वो कौन से पे इंडस है। अच्छा ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच में पड़ता है, तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच में पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे दो माउंटेन रेंजेस है बच्चे कौन कौन से, तो यहाँ पे लद्दाख और जास्कर माउंटेन रेंजेस है, तो लद्दाख और जास्कर माउंटेन रेंजेस के बीच में ये हेमिसहाई नेशनल पार्क है। और किसके लिए फेमस है बच्चे, ये फेमस है पे स्नो चीते के लिए, स्नो लेपर्ड्स के लिए। क्या आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर है बच्चे, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। साथियों चीजें पसंद आ रही है तो शेयर जरूर कर दीजिए फटाफट से, ठीक है। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत खराब रहता है, ये अच्छी बात नहीं है मेरे लिए, जल्दी बच्चे शेयर करो। देखो अब हम जब बात करेंगे तो भारत का सबसे जो छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा बच्चे कहां पर, देखिए अंडमान निकोबार में है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे छोटा कहां पर है बच्चे, तो सबसे छोटा कहां पर है अंडमान निकोबार में है। कहां पर बेटा साउथ बटन है, कौन सा पे साउथ बटन है, और साउथ बटन की जब बात करते हैं ये कहां पड़ता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अब साउथ बटन के पास में ही देखिए जो साउथ बटन नेशनल पार्क है ना, ये पार्ट है किसका पार्ट है पे रानी झांसी, यानी आप कह सकते हैं रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क का। तो यहाँ पे रानी झांसी यहाँ पे देखिए समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है,
उसी का पार्ट यहाँ पे कौन सा है, साउथ बटन है। आपसे बच्चे क्वेश्चन ही पूछेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। विष्णुदेव पांडे पूछ रहे कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी बच्चे, तो पीडीएफ की जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी इस लेक्चर के एंड होने के बाद में। आप उस वहां से इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बहुत ईजिली, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैं आपको इतनी सारी बातें क्लासेस में ही याद करा दूंगा, आपको जिस तरह से मैं चीजें पढ़ा रहा हूं तो डेफिनेटली वो सारी बातें वो क्लासेस में याद हो जाएंगी, आपको इनकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, लेकिन स्टिल यू नीड दैट पीडीएफ, आपको मैं दे दूंगा। ठीक है बच्चे, सुनो अब बात करते हैं देखिए भारत के सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। देखिए भारत का सबसे इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे बहुत ही बढ़िया। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा बच्चे, तो सबसे बड़ा कौन सा पे हैम, यहाँ पे हैमी कौन सा बच्चे यहाँ पे याद देख पाएंगे, तो सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा देखिए हेमिस है। सबसे छोटा कौन सा बच्चे, तो मैंने बताया कि सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा देखिए साउथ बटन है। अब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो फर्स्ट नेशनल पार्क के बच्चे, उसका नाम क्या है। अब यहां पे देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे आपको मैं सारी बातें बताने वाला हूं। तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम था पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे हेली राष्ट्रीय उद्यान, इसे 1936 में बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में हम जब बात करते हैं तो प्रेजेंट कंडीशन में इसका नाम बदल दिया गया है, और प्रेजेंट कंडीशन में मेरे साथी उसे बोलते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे कि हेली राष्ट्रीय उद्यान को, हेली नेशनल पार्क को यहाँ पे किस नाम से जाना गया है, तो हेली नेशनल पार्क को यहाँ पे जाना जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में, और 1936 में इसका निर्माण हुआ था। और अब बता दूं मेरे साथियों, ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा पूछेंगे आपसे बच्चे ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है कहां पे बच्चे, उत्तराखंड राज्य के अंदर। और किस नदी किनारे पड़ता है ये, तो ये पड़ता है रामगंगा नदी किनारे। यहां पे देखिए गंगा नदी की बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदियों में से एक है, कौन सा पे रामगंगा नदी, उसी नदी किनारे पड़ता है कौन सा हमारा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। और पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे साथियों वो कौन सा है, आंसर यहाँ पे हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम वर्तमान में कौन सा पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे बता दो मेरे साथी कि जिम कॉर्बेट की जब बात करते हैं तो भारत में से टाइगर का जनक भी कहा जाता है, द टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं जिम कॉर्बेट को, लेकिन ऐसा नहीं है, कैलाश सांकली है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा किस व्यक्ति को यहाँ पे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो याद कर लीजिए यहाँ पे कैलाश सांकली को कहा जाता है। लेकिन कई की किताबें हैं जो बच्चे यहाँ पे बोल देती है किसी यहाँ पे जिम कॉर्बेट को, क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हैं कि नहीं हुई है, जल्दी से बताओ मेरे साथी मुझे कमेंट के अंदर। आप देख पाएंगे कहां पर है जिम कॉर्बेट, देखो ये राज्य पड़ता है कौन सा हमारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड में कौन सा पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं पर जब हेमिसाई बच्चे, वो हेमिसाई कहां पर है, तो हेमिसाई पड़ता है कहां पे इन द स्टेट ऑफ द, पहले स्टेट था लेकिन अब यहाँ पे क्या बच्चे, अब यहाँ पे क्या है देखिए यूनियन टेरिटरी है, जिसका नाम है कौन सा लद्दाख है, कौन सा बच्चा पे लद्दाख है। चलो अब बहुत सारे नेशनल पार्क है भारत के जिन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए तो हमारे ऐसे कितने नेशनल पार्क है बेटा, कितने नेशनल पार्क हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो शामिल नेशनल पार्क है, इनसे क्वेश्चन बनता है मेरे साथियों। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। अब क्वेश्चन बनता है सर काजीरंगा है कहां पर, तो एज यू कैन सी ऑन द मैप कि देखिए असम राज्य के अंदर जो ब्रह्मपुत्र नदी का मैदानी क्षेत्र है ना बच्चे, ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी क्षेत्र है, तो असम राज्य के ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में काजीरंगा नेशनल पार्क है। अब काजीरंगा नेशनल पार्क के बाद आता है कौन सा मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो है मानस नेशनल पार्क। जो मानस नेशनल पार्क है ये भी कहां पड़ता है बच्चे, ये भी पड़ता है कहां पे देखिए असम राज्य के अंदर। तो असम राज्य के अंदर देखो यहां पे पड़ता है कौन सा मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह है मानस राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसे यहां पे 1950 में देखिए वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी। फिर देखिए 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, और 1985 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। तो क्या मानस नेशनल पार्क, ये मानस नेशनल पार्क यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, यस आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और मानस को मेरे साथियों कब शामिल किया गया, 1985 में शामिल किया गया। अब देखिए जो मानस नेशनल पार्क है ना, ये बहुत कारणों से फेमस है, ये हाथियों के लिए फेमस है। अच्छा काजीरंगा देखिए किसके लिए फेमस है, तो काजीरंगा फेमस है पे एक सिंह वाले गैंडे के लिए, ये जो एक सिंह वाला गैंडा है ना बच्चे, इसके लिए फेमस है पे कौन सा है काजीरंगा है। देखिए तो मानस नेशनल पार्क यहाँ पे बहुत कारणों से फेमस है, बहुत कारणों से फेमस है। जरा देखिएगा यहाँ पे हम जो बात करते हैं, हाथी है मेरे साथियों, यहाँ पे देखिए बाघ है,
अच्छा शेर में बाघ में अंतर होता है, ये तो आपको पता होगा ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लायन एंड द टाइगर, तो दोनों में अंतर होता है। लेकिन समस्या क्या है मेरे साथियों कि हमारे सामने कोई भी आ जाए हम बोलते हैं शेर आया, बब्बर आ जाए तो शेर आया, चीता आ जाए तो शेर आया, यहाँ पे शेर आया तो शेर आया, तो ये समस्या है। लेकिन यहाँ पे बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखिए हाथी भी है और यहाँ पे देखिए जिन्हें बोलते हैं क्या बारहसिंगा, तो बारहसिंगा को भी संरक्षित किया गया कहाँ पे, मानस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मेरे साथियों कि यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान को, मानस नेशनल पार्क को क्या यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? यस मेरे साथियों द आंसर इज यस। और कब शामिल किया गया है? 1985 में शामिल किया गया है। बच्चे चीजें पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत ही शानदार कंटेंट है आपको देने वाला हूं। और जल्दी से बताओ मेरे साथियों यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी आप लोगों को, जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं। बच्चे सुनो मैं ना सारी बातें बताऊंगा और जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो तो बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो, कैसे इनको फ्रेम करना है ये मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा एक बात और है, कल संडे है, अगर आपको कोई स्पेशल क्लास पढ़नी हो ज्योग्राफी की तो प्लीज पुट योर कमेंट्स, जिस कमेंट में जिस टॉपिक की मांग ज्यादा होगी तो कल मैं संडे को उसका स्पेशल टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ना है, स्पेशल टॉपिक पढ़ना होगा विद एनिमेशंस बहुत अच्छी तरह से, तो अपने कमेंट्स के माध्यम से उस टॉपिक का नाम प्लीज कमेंट में जरूर बताएगा। आप लोगों के कमेंट्स के आधार पे वो जो क्लास है मैं लेके आऊंगा स्पेशल आपको, ठीक है। परफेक्ट, चलो बच्चे सुनो, अब देखिए हम जब बात करते बच्चे तो इसे 1990 में देखिए क्या है, नेशनल पार्क घोषित किया गया है मानस नेशनल पार्क को। तो 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी और 1990 में इसे देखिए नेशनल पार्क बनाया गया। फिर हम बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए बेटा जो यूनेस्को की बात कर रहा हूं मैं, तो यूनेस्को में देखिए हमने क्या पढ़ा, काजीरंगा पढ़ दिया। यूनेस्को के अंदर मेरे साथियों हमने जब बात की है तो मानस को पढ़ा है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सुनो, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये पड़ता है इन द रीजन ऑफ द यहाँ पे राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है मेरे साथियों जिसका नाम है भरतपुर। तो राजस्थान के अंदर देखिए यहाँ पे इलाका पड़ता है बच्चे, यहाँ पे कौन सा देखिए भरतपुर है। अच्छा ये भरतपुर अलग है और ये आपने जो सूर्यवंशी मूवी देखी ना सूर्यवंशम, उसमें भरतपुर है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है दोनों को एक बात करिएगा। अब जब केवलादेव की बात करते हैं मेरे साथियों तो ये राजस्थान के कहां पर है, भरतपुर में है। और यहाँ पे भरतपुर देखिए यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य भी है, भरतपुर यहाँ पे बर्ड सेंचुरी भी है। देखिए बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो पक्षी है वो इस बर्ड सेंचुरी में आके यहाँ पे प्रजनन की जो क्रिया वो करते हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसका यहाँ पे कार्य करते हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए इंपॉर्टेंट माना गया है। और खासकर यहाँ पे देखिए खासकर अभी ठंड के मौसम में यहाँ पे साइबेरिया से आने वाली देखिए सारस है, क्रेन है, देखिए सारस जिन्हें बोलते हैं क्रेन मेरे साथियों, तो क्रेनों को यहाँ पे प्रवास स्थल माना गया है, इनका प्रजनन क्षेत्र माना गया है, ये काफी समय तक विश्राम करते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्दियों के मौसम में साइबेरिया से आने वाले जो सारस है जो क्रेन है वो किस पक्षी अभ्यारण्य में ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, तो आंसर क्या मेरे साथी, आंसर यहाँ पे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर नेशनल पार्क। क्या आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर हो गई है? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे अब देखिए हम जब बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की हम जब बात करते हैं, अच्छा बच्चे एक चीज को सुनिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे बोलेंगे सर कि प्लीज राइट द थिंग इन इंग्लिश। बच्चे देखो मैंने ना बहुत सिंपल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, मैंने ये चीज नोटिस किया है कि मैक्सिमम ऑफ यू आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर चीजें पीडीएफ में चाहिए तो पीडीएफ के अंदर आपको मैं सबकी सब चीजें यहाँ पे इंग्लिश में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो प्लीज फोकस ऑन द लेक्चर फर्स्ट, आप लेक्चर पे फोकस कीजिए, आपकी बातों को मैं बहुत अच्छी तरह से सुन रहा हूँ, लेकिन लेक्चर आर द मोर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डू, है ना। चलो तो केवलादेव जो घाना राष्ट्रीय उद्यान है बच्चे उसे 1982 में नेशनल पार्क बनाया गया था। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे इसे नेशनल पार्क कब घोषित किया है, तो इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया 1982 में और 1985 में 1985 में इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है हमारी प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल कर दिया गया।
तो एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा आप लोगों से कि यूनेस्को के द्वारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनाया गया था, तो 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। याद कर लीजिएगा मानस का भी बच्चे, तो मानस को भी इसी साल शामिल किया गया। अब आता है सबसे फेमस यहां पे सुंदरबन। देखिए सुंदरबन की हम जब बात करते हैं तो सुंदरबन आप जानते हैं कि विश्व के सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है। भारत की बहुत ही फेमस नदियां हैं जिसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना है। मेघना भी देखिए भारत की नदियों में से एक मानी गई है बच्चे। तो हम जब बात करते हैं सारी की सारी नदियां मिलकर यहाँ पे विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का फॉर्मेशन करती है जिसका नाम है सुंदरबन। देखिए सुंदरबन डेल्टा की जब मैं बात करूंगा ना, इसका 85% से ज्यादा हिस्सा कहां पर है, बांग्लादेश में है, और 15% के आसपास जो हिस्सा है वो सिर्फ भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, ये पड़ता है इन द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो ये मत समझिएगा कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में नहीं, मेरे साथियों जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये है कहां पे, इन द रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल। और ये फेमस है अपने किसके लिए, ये फेमस है अपने बंगाल टाइगर्स के लिए। बंगाल के जो शेर बाघ है, शेर नहीं बाघ, तो बंगाल टाइगर्स के लिए ये फेमस है मेरे साथियों। कौन सा पे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन नेशनल पार्क। क्या आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर है बच्चे? चलो अब देखिए हम जब बात करते हैं सुंदरबन के बारे में, तो आपको यहां पे बहुत सारी बातें मैं डिटेल से बताने वाला हूं। देखो किस प्रकार से बाघ निकलने वाला है, ऐसा लगता है ये मुझे अभी खा जाएगा, ठीक है, मतलब सैड हो जाता हूं। चलो तो सुंदरबन देखिए बहुत ही फेमस क्यों है, क्योंकि ये नेशनल पार्क है बच्चे, ये टाइगर रिजर्व भी है, देखो ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, और जयमंडली क्षेत्र भी है। किस राज्य के अंदर है ये, तो ये पड़ता है इन द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चे, किस राज्य में पड़ता है, तो ये पड़ता है इन द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ठीक है बच्चे, बच्चे एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कहां पड़ता है बच्चे, ये पड़ता है इन द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल। ठीक है सुनो, अब देखिए ये बता दूं मेरे साथियों, इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है कब यहां पे, 1973 में। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है मेरे साथियों, तो सुंदरबन को यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, आंसर है 1973 में। और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है 1977 में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 मई 1984 को इसे डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया, आंसर है 1987 में। तो क्या सुंदरबन जो नेशनल पार्क है वो यूनेस्को में शामिल है, मेरे साथियों यस, इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया मेरे साथियों कब, यहां पे आंसर है 1987 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसे रामसार साइट में भी शामिल किया गया है। यस, सुंदरबन पार्क, सुंदरबन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द रामसार। और इसे रामसार में कब शामिल किया गया मेरे साथियों, आंसर है 2019 में। एग्जामिनेशन में ये सारे के सारे फैक्ट पूछेंगे आपसे, इसे नेशनल पार्क कब बनाया गया, यहां पे 1984 में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनी है, 77 में। इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया, यहां पे 1973 में। यहां पे यूनेस्को में कब शामिल है, 87 में। और रामसार में कब है मेरे साथियों, 2019 में। ये सारे फैक्ट मैंने बता दिए हैं, इसको एक काम कीजिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं फिर यहां पे आगे की ओर। बच्चे जल्दी से बताओ मुझे, क्या यहां तक की सारी बातें चमकी की नहीं चमकी हैं? ठीक है बच्चे सुनो, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, देखिए कल संडे है, अगर आप लोगों को कोई स्पेशल ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि मुझे जो टॉपिक कमेंट में सबसे ज्यादा लगेगा, ठीक है, मैं उस टॉपिक को कल पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कैसी लग रही है चीजें, कैसा प्रेजेंटेशन है आपको, ज्योग्राफी पसंद आ रही कि नहीं आ रही, ये आप पे मैटर करता है, आप पे डिपेंड करता है, ये साथियों आप पे डिपेंड करता है कि मेरी क्लासेस होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो अगर आपको प्यार देना है तो दीजिए, देखिए कई बार यहाँ पे बता दीजिए मेरे साथियों, बहुत जरूरी होती चीजें। चलो अब देखिए हम बात करते हैं, तो यहाँ पे नंदा देवी और वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, तो नंदा देवी और वैल्यू ऑफ फ्लावर्स को भी यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है।
तो क्या यहाँ पे देखिए वैल्यू फ्लावर्स जो पड़ता है नेशनल पार्क कहाँ पे मेरे साथियों, उत्तराखंड में, क्या इन्हें भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? यस मेरे साथियों, इवन दे आर द पार्ट ऑफ द यहाँ पे यूनेस्को, यस। अब हम जो बात करते हैं, देखिए जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, द वैली ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसे बोलते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, ये पड़ता है कहां पे? उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में। कहां पड़ता है बच्चा? उत्तराखंड के गढ़वाल में। और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है 1988 में। तो इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया बच्चे? तो आंसर है 1988 में शामिल किया गया है। और इसे पिंडर घाटी या पिंडर वैली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे पिंडार नदी है जो निकलती है, और पिंडार नदी यहां से होके निकलती है मेरे साथियों, जिसका आंसर क्या बोलते हैं? पिंडार घाटी बोलते हैं। चलो ये सारी बातें बता दी है। अब देखिए इसे हम जब बात करते हैं तो 2005 में इसके जो बाकी हिस्से को भी यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। तो सबसे पहले शामिल किया गया है 1988 में, और इसका जो बाकी का रिमेनिंग हिस्सा मेरे साथियों, बाकी का जो रिमेनिंग हिस्सा है इसे क्या कर दिया गया है? 2005 में भी शामिल कर दिया गया है। कितनी सुंदर घाटी है, आप जाइए कभी यहां पर, जब भी आप कभी डिप्रेस कर जाए मेरे साथियों, यहां पे जाइए, बहुत ही सुंदर घाटी है। मैं तो 3-4 बार आ चुका हूं यहां पे, आपको बता दूं कि बहुत ही शानदार है, मतलब चारों तरफ फूल ही फूल है, आपका जो मन है ना वो एकदम खुश हो जाएगा। गढ़वाल जिले में है, कौन सी यहाँ पे? फूलों की घाटी। कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर नजारा है यहाँ पे। देखिए इस प्रकार के दृश्य हैं जो आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं। भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता की बात करते हैं मेरे साथियों, तो बहुत ज्यादा अलग है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। एग्जामिनेशन में चाहिए क्वेश्चन पूछेंगे, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को भी यहाँ पे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। आपको बता दूं मेरे साथी, कंचनजंगा की हम जब बात करते हैं तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यस मेरे साथी, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए तो जो कंचनजंगा है ये पड़ता है कहां पे बच्चे? इन द पोर्शन ऑफ द सिक्किम। और आप जानते हैं कि हिमालय के अंदर, हिमालय के अंदर यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। वैसे बता दूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे कौन सी है? गोर्डन ऑस्टिज है। ये बात मैं बता चुका था आपको, देखिए जब मैंने हिमालय पढ़ाए थे। देखिए तो भारत की यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोर्डन ऑस्टिज है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 186611 मीटर है। और कंचनजंगा की बात करते हैं तो 8586 मीटर है। तो एग्जामिनेशन में ये बात समझिएगा जो मैं बोलने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चे? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी का नाम है बच्चे यहाँ पे कौन सा? आंसर है कंचनजंगा, जो पड़ता है इन द पोर्शन ऑफ द हिमालयस, इन द रीजन ऑफ द सिक्किम, इन द स्टेट ऑफ सिक्किम। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8586 मीटर है। जबकि हम बात करते हैं K2 की, तो K2 इज नॉट द पार्ट ऑफ द हिमालयस। K2 यहाँ पे हिमालयस का पार्ट नहीं है। K2 पड़ता है इन द रीजन ऑफ द पार हिमालयस, जिसे बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। एंड ट्रांस हिमालयस का जो फॉर्मेशन है वो हिमालय से बहुत पहले हो चुका था। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए मेरे साथियों। चलो जल्दी से बताओ यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी है? देखो बच्चे सुनो, अब देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, देखिए कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है वो कहां पे? देखिए 1977 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये सिक्किम का सबसे बड़ा देखिए नेशनल पार्क भी है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे, देखिए इसका एक दूसरा नाम है जिसे बोलते हैं कोंगलोचू। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है मेरे साथियों, जो कंचनजंगा पर्वत है, इसका एक दूसरा नाम भी है जैसे क्या बोलते हैं? कोंगलोचू बोलते हैं, इधर यहाँ पे रीजनल शब्द, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, और ये बहुत सारे फ्लोरा और फौना के लिए फेमस है। बहुत सारे देखिए वनस्पति और जीव हैं जो इस कंचनजंगा के राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चे, देखो बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं जो मिलते हैं। अब क्वेश्चन बनता ये कि कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो बच्चे याद कर लीजिएगा यहाँ पे 2016 में। यस, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को यहाँ पे शामिल किया गया है 2016 में इन द रीजन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर सूची में से शामिल किया गया बच्चे यहाँ पे कब? यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया यहाँ पे कब बच्चे? इसे 2016 में। अब देखिए हम जब बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया है 2012 में।
भारत में जो पश्चिमी घाट है ना उसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, लेकिन वेस्टर्न घाट कोई नेशनल पार्क नहीं है इसलिए मैंने इसको पे शामिल नहीं किया बच्चे, इसे यहां पे नहीं बताया। पीएन स्टेटस बेटा मैं हिमालय पढ़ा चुका हूं, आप मेरी क्लास को देख लीजिए, हिमालय तो बेटा मैं पढ़ा चुका हूं, तो हिमालय में कल पढ़ाने वाला बिल्कुल नहीं हूं, हिमालय में करा चुका हूं, ठीक है। चलो अब देखिए हम बात करते हैं अपने भारत में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में, भारत में वन्य जीव के बारे में आपको कुछ बातें हैं जो बतानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। देखिए अगर बात करें यहां पे विश्व वन्य जीव दिवस जिसे हम बोलते हैं, देखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, देखिए तो बेटा याद कर लीजिएगा कि विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं हर साल यहां पे, कब यहां पे 3 मार्च को, ठीक है। विश्व भर के अंदर यहां पे वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए, इन्हें संरक्षित करने के लिए, इन्हें प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए हम यहां पे देखिए हर साल 3 मार्च को क्या मनाते हैं, यहां पर विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात आती है भारत को लेकर, जरा समझिएगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में। देखिए तो भारत में देखिए भारतीय वन्य जीव बोर्ड की जो स्थापना है, भारतीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड की जो स्थापना है वो 1952 में की गई थी, और उस समय प्रधानमंत्री देखिए इनके अध्यक्ष होते थे। 1991 में इस बोर्ड को दोबारा से देखिए क्या क्या रीचेंज किया गया, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है बच्चे सुनो। अब जब बात करें तो भारत में देखिए बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको लेकर क्वेश्चन बनने वाले हैं, भारत में बहुत सारी परियोजना है जो चल रही है, तो एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं कि भारत में कौन कौन सी परियोजना है, कैसी कैसी परियोजना है और किस तरह से परियोजनाओं के बारे में क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपको मैं सारी सारी बातें बताऊंगा, बच्चे टेंशन ना लो बिल्कुल भी। सुनो तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जिसे बोलते हैं बाघ परियोजना, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे मेरे साथियों कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1972 में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है जो लाया गया था, यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, और फिर यहाँ पे देखिए 1973 से जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो भारत में बाघ परियोजना की जो शुरुआत है वो कब से हुई है, 1973 से, लेकिन इसका जो एक्ट आया था वो कब आया था बच्चे, तो यहाँ पे आया था एक्ट यहाँ पे 1972 में। चलो फिर देखिए भारत में है घड़ियाल परियोजना, तो भारत में जो घड़ियाल परियोजना की शुरुआत है वो ये 1974 से। भारत में गैंडा परियोजना, तो भारत में गैंडा परियोजना की शुरुआत की गई बच्चे यहाँ पे 1987 से, यस। तो गैंडो को संरक्षित करने के लिए जो गैंडा परियोजना है वो भारत में कब से शुरू हुई बच्चे, वो यहाँ पे 1987 से। फिर यहाँ पे हिम चीता परियोजना है, जो देखिए स्नो लेपर्ड्स मिलते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि जो यहाँ पे हेमेसाई नेशनल पार्क है, तो भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है हेमेसाई नेशनल पार्क, वहां पे हिम चीता पाए जाते हैं, तो हिम चीता को भी संरक्षित करने के लिए, उन्हें भी कंजर्व करने के लिए यहाँ पे 1987 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। फिर देखिए यहाँ पे है मगर प्रजनन परियोजना, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स को देखिए बढ़ावा देने के लिए, क्रोकोडाइल्स को यहाँ पे रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो मगर प्रजनन परियोजना है वो लाई गई थी 1975 में। और देखिए मध्य प्रदेश की नदी है कौन सी, चंबल नदी, जहां पे इस परियोजना को चलाया जा रहा है, इस परियोजना की शुरुआत हुई थी। आपसे क्वेश्चन ये बहुत ही प्यारे प्यारे चीजें पूछी जाएंगी। चलो बच्चे अब मैं आपको ना एक एक करके सारी की सारी बातें बताता हूं। देखो आज मैंने इस चैप्टर में, इस क्लास में उन पॉइंट्स को कवर किया है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सी किताबें इसे कवर नहीं करती हैं। तो मैंने प्रीवियस में जितने पेपर्स देखे थे बच्चे, तो उन प्रीवियस से पेपर्स के आधार पर ये जो पूरी क्लास बनाई है, और गारंटी से बोलता हूं आपने कितना भी कुछ पढ़ा हो उसमें आपको गारंटी से बहुत कुछ नया मिलेगा। जल्दी से बता दो मेरे साथ मुझे कमेंट के अंदर कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला अभी तक, उसके बाद में फिर आगे चलता हूं। क्या अभी तक आप लोगों को मेरे साथ कुछ नया सीखने को मिला है कि नहीं मिला, जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ फटाफट से। चलो बच्चे बहुत बढ़िया, सुनो अब देखिए हम बात करते हैं कस्तूरी मृग परियोजना के बारे में। देखिए यहां पे जब मृग की बात करते हैं बच्चे, से बोलते हैं डी। देखिए भारत में ना हिरणों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, आपको बता दूं कि भारत में देखिए हर जगह पर अलग अलग तरह के जो हिरण है वो पाए जाते हैं। खैर मैं बताऊं हिरणों की मैं बात ही क्या करूं मेरे साथियों,
हिरण देखिए एक ऐसे जानवरों में शामिल है जो यहाँ पे काफी तेज स्पीड से भाग भी सकते हैं और काफी देखिए सुंदर देखने को मिलते हैं। आदि अनादि काल से इनका इतिहास देखने को मिल जाएगा हमें। तो भारत में कस्तूरी मृग देखिए जिन्हें बोलते हैं मक्स डियर, तो जो मक्स डियर परियोजना है वो 1970 में शुरू की गई थी। आपको बता दूं देखिए जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो जब जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था मेरे साथियों, अब तो यूनियन टेरिटरी है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे जम्मू अलग था कश्मीर अलग था, तो जम्मू रीजन का ये क्या था राजकीय पक्षी था, राजकीय पशु था सॉरी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था मेरे साथियों तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर जम्मू का जो राजकीय पशु था वो कौन सा था, मक्स डियर था। और यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इसको देखिए हम जब बात करते हैं 1970 में इसकी परियोजना को शुरू किया था। अब ये देखिए हुआ क्या है, उत्तराखंड के अंदर जो केदारनाथ धाम पड़ता है वहां पर कस्तूरी मृग परियोजना के लिए जो केंद्र है बनाया गया है। आपको बता दूं मेरे साथियों जो केदारनाथ का क्षेत्र है यहाँ पे नदी निकलती है और ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे निकलने वाली जो नदी है वो कौन सी है बच्चे, तो यहाँ पे जो बहने वाली नदी है वो कौन सी पे मंदाकिनी है, कौन सी बच्चे पे मंदाकिनी है। याद कर लीजिएगा केदारनाथ का जो धाम है कौन सी नदी के किनारे पड़ता है बच्चे, तो ये पड़ता है मंदाकिनी नदी के किनारे। बच्चे अभ्यारण और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, मैंने भी क्लासेस दी हुई है डोंट वरी, अभी इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे ठीक है मैं लूंगा डोंट वरी। अभी मैं अभ्यारण पढ़ाऊंगा, अभी नेशनल पार्क पढ़ा रहा हूं, अभी मैं अभ्यारण भी पढ़ाऊंगा इसके बाद। चलो अब देखिए हम बात करते हैं हंगुल के बारे में। देखिए ये जो हंगुल है ये फिर से क्या मेरे साथ हिरण की प्रजाति मिलने वाली है, हिरण की प्रजाति है देखो ध्यान से। अब आपको बता दो देखिए हंगुल की बात करते हैं तो ये लाल हिरण की एक नस्ल है। देखिए हिरणों की वो प्रजाति वो नस्ल है जिसमें लाल रंग का जो हिरण है वो मिलने वाला है, इसे बोलते हैं हंगुल। ठीक है बच्चा सुनो ये कहां पर मिलता है, ये मिलता है कश्मीर के दांची गांव में। तो जो दांची गांव नेशनल पार्क के बच्चा वो कहां पर है, कश्मीर में है। और कुछ समय के लिए बच्चा ये कश्मीर का भी यहां पे नेशनल राजकीय पशु रहा था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सर्वस एलाफांस, यहाँ पे सर्वस एलाफस यहाँ पे हंगुलू। और देखिए हंगुल परियोजना इसको चलाई जा रही है बचाने के लिए। ये देखिए ये कुछ लाल कलर का जो हिरण है इस प्रकार से नजर आने वाला कौन सा हंगुल जो बहुत ही फेमस है। चलो अब बात करते हैं गिर के यहाँ पे सिंह परियोजना के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है गिर की सिंह परियोजना। अब ये गिर की सिंह परियोजना कहां पर है जरा बोर्ड पे देखिएगा बच्चे, आपको मैं सारी बातें बताता हूँ डिटेल से, हैव अ लुक ऑन दिस बोर्ड फर्स्ट। देखिए बच्चे अगर हम गुजरात राज्य की बात करें, देखो ये तो गुजरात राज्य के अंदर ये जो नीचे का इलाका है ना पूरा ये काफी हरा भरा इलाका है। और इस इलाके को देखिए हमने पहले एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं सौराष्ट्र। और यहां पर एक देखिए क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है गिर, और ये गिर फेमस है अपने एशियन लायंस के लिए। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि एशियाई शेरों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा पे आपका गुजरात राज्य। और गुजरात राज्य में कौन सा मेरे साथियों आंसर यहां पे कौन सा है गिर राष्ट्रीय गिर, यहां पे गिर का जो क्षेत्र है 1969 में इसे देखिए वन्यजीव अभ्यारण बनाया गया था, इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी मेरे साथियों। और 1972 में इसे नेशनल पार्क घोषित कर दिया गया है कौन सा पे गिर नेशनल पार्क। तो एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछेंगे कि जो गिर नेशनल पार्क है वो किस राज्य के अंदर है, तो ये पड़ता है इन द स्टेट ऑफ द गुजरात। अभी फेमस क्यों है देखिए गिर राज्य के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे लायंस हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में भेजे जाने वाले थे। अभी यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करता हूं मैं, देखिए तो मध्य प्रदेश के अंदर एक यहाँ पे क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है पालपुर कोनो या पालनपुर कोनो। तो यहाँ पे पालपुर कोनो देखिए सबसे बड़ी परियोजना में शामिल है जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश से बहुत सारे एशियाई शेर हैं जो एमपी भेज जाएंगे और एमपी में इनको डेवलप किया जाएगा और फर्दर ब्रीडिंग की डेवलप की जाएगी। लेकिन ये परियोजना देखिए किसी कारण से चल नहीं पा रही है, अभी यहाँ पे सामने नहीं आई है, आपको ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बच्चे सुनो फिर यहाँ पे कछुआ संरक्षण परियोजना, देखिए जिसे बोलते हैं टाइगर यहाँ पे सॉरी टर्टल कंजर्वेशन परियोजना। जो कछुआ कंजर्वेशन परियोजना मेरे साथियों इसकी शुरुआत कब से हुई थी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 1975 से भारत में देखिए इसकी इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। सबसे ज्यादा कछुए भारत के किस राज्य में मिलते हैं, तो सुनो बच्चे देखिए तो सबसे ज्यादा मिलता है कहां पे देखिए उड़ीसा राज्य में। और उड़ीसा राज्य में एक यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है भितरकनिका। तो भितरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चे वो किस राज्य के अंदर है, यहाँ पे उड़ीसा राज्य के अंदर है। अब देखिए हुआ क्या है कि उड़ीसा राज्य में जो कटक जिला पड़ता है, तो कटक जिले में 1975 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी।
अब देखिए उड़ीसा राज्य में एक नदी बहती है, सुनो ध्यान से, मैं बहुत बहुत फेमस बात बता रहा हूं। तो उड़ीसा राज्य में बच्चे एक नदी बहती है जिसका नाम है देवी नदी। कितने बच्चे हैं जिन्होंने इस नदी का नाम पहले सुना हुआ है, जल्दी से कमेंट के अंदर बताओ फटाफट से मुझे, बच्चे जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, कितने बच्चे हैं जिन्होंने देवी नदी का नाम पहले सुना हुआ है। बड़ा सुनो, देखो यहां पर एक कछुए मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं ऑलिव रिडल कछुआ। देखो सुनो, तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में देखिए कछुओं की बहुत ही एक रेयरेस्ट प्रजाति मिलती है बेटा, बहुत ही रेयरेस्ट प्रजाति मिलती है जिसका नाम है ऑलिव रिडल कछुए, ये भारत की किस नदी में पाए जाते हैं, तो आंसर है देवी नदी में। और देवी नदी देखिए यहाँ पे बंगाली खाड़ी में जाके मिल जाती है, कटक के आसपास ही क्षेत्र में, और वहां पर ही इनका प्रजनन केंद्र बनाया गया है, ये सारे के सारे अंडे वहीं पे देते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे कि जो ऑलिव रिडल कछुए हैं वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा वो किस राज्य में, मेरे साथियों यहाँ पे किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है, और किस नदी में जाके वो अपने अंडे प्रजनन करते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या है, देवी नदी है। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, जरा सुनिए ध्यान से, मैंने ना लास्ट में इस चैप्टर के लास्ट में बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हैं, और लास्ट में आपको मैं एक पूरी लिस्ट बताने वाला हूं कि भारत के किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो लास्ट में तो बने रहना आपको बच्चे, बहुत कुछ नया मिलने वाला है, ये गारंटी मेरी है। अगर आपने इस क्लास को 15 मिनट से ज्यादा देखा है ना, तो आपको 15 मिनट के अंदर ही समझ में आ गया होगा कि इस क्लास के अंदर जो क्वालिटी वो क्या है। तो आपको मैं बहुत ही साइंटिफिक वे में और बहुत ही रिसर्च वे में आपको सब बातें बता रहा हूं बच्चे, मैंने बहुत रिसर्च की है, उसके बाद ही आपको मैं सारी बातें यहां पे लेके आया हूं, ठीक है। सुनो दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट ये है, अब हम बात करते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाघों को लेकर भारत सरकार बहुत ज्यादा संवेदनशील है। आपको बता दूं कि भारत के अंदर पुराने जमाने के अंदर जो राजा महाराजा थे ना, वो शौक स्थान के लिए यहाँ पे शिकार किया करते थे। जिस प्रकार से आज हमारे घर में हमारी जो पहचान की जाती है, हमारे घर का जो वैभव दिखा जाता है, हमारे घर का जो रुतवा दिखा जाता है, वो कार से आपके पास जो एसेसरीज है उनसे देखते हैं। लेकिन पुराने जमाने में अंदर राजा की जो शौर्य गाथाएं होती थी, राजा की जो वीरता का प्रमाण किया जा रहा है ना, वो यहाँ पे खोपड़ी से होता था। मतलब किस राजा ने कितने शेर मारे, किस राजा ने कितने बाघ मारे, उनकी खाल को यहाँ पे देखे लगा दिया जाता था। और जब भी कोई राजा किसी राजा के पास जाता था तो दिखा देते थे हमारे राजा ने इतने सारे बाघों का शिकार किया हुआ है। तो जब शिकार के कारण भारत में एक ऐसी कंडीशन बन गई कि बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी, और आज भी यहाँ पे अगर विश्व में सबसे ज्यादा बाघ, विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर्स किसी राष्ट्र में मिलते हैं तो उसे भारत में मिलते हैं, ये सत्य बात है मेरे साथियों। बहुत से देश तो ऐसे हैं जहां पे बाघों की संख्या ना के बराबर है। तो भारत की सरकार काफी संवेदनशील है, भारत की सरकार काफी देखिए संवेदनशील है इस टॉपिक को लेके कि हम किसी प्रकार से बाघों को बचा के रखें, और जानते हैं कि ये हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, नेशनल हमारा एनिमल भी है ना बच्चे। सुनो अब जब मैं आपको बाघों के बारे में सारी की सारी बातें डिटेल से बताने वाला हूं, ये है इसका नाम क्या बच्चा, पे बाघ हिंदी में देखिए बाघ कहते हैं, साइंटिफिक नेम क्या पे पैंथेरिया टिग्रिस, ये साइंटिफिक नाम दिया गया। लाइफस्पैन होती है 16 से 18 साल के बच्चे। यहाँ पे ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो अब हम जब बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में, नेशनल एनिमल के बारे में, तो जैसा आपको मैंने बताया कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु मेरे साथी वो कौन सा है, टाइगर है, लायन है। आप कहेंगे यहाँ पे सर टाइगर है, देखिए टाइगर इज अ डिफरेंट वन, लायन अलग होता है, टाइगर अलग होता है। यहाँ पे टाइगर, चीता, तेंदुआ ये सब अलग अलग है, लेकिन हम जब बात करते हैं वी टॉक अबाउट द टाइगर्स, वी टॉक अबाउट द टाइगर्स मेरे साथियों। तो बता दो मेरे साथियों कि बाघों की प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए, यहाँ पे देखिए इन्हें खत्म होने से बचाने के लिए यहाँ पे बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत बेटा कब से की गई थी, तो 1 अप्रैल 1973 से। यस एग्जामिनेशन में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई मेरे साथियों पे 1 अप्रैल 1973 में, और 1 अप्रैल 1973 को भारत के 9 क्षेत्रों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, 9 क्षेत्रों को, 9 इलाकों को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था,
जिसमें सबसे पहला जो क्षेत्र है वो कौन सा पे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। एग्जामिनेशन में यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का वो कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, तो याद कर लीजिए मेरे साथियों कि भारत में पहला जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला क्षेत्र है वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहां पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। किस नदी किनारे पड़ता है? आंसर है रामगंगा नदी किनारे। इसका पहले नाम क्या था मेरे साथियों? तो मैं बता चुका था, हेलीज राष्ट्रीय उद्यान। क्या यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी, जल्दी से बताओ मेरे साथियों मुझे कमेंट के अंदर फटाफट से। पहले यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी? बच्चे कमेंट्स नहीं किया आप लोगों ने अभी तक? बच्चे आप लोग कहते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब आपका जितना भी प्यार है बेटा वो चैट सेक्शन में दिखाई देता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपका प्यार दिखना चाहिए। ठीक है, आपका जितना भी प्यार है जितना भी गुस्सा है वो निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहां पर निकालिए? कमेंट सेक्शन में निकालिए, चैट सेक्शन में नहीं, क्योंकि चैट सेक्शन में ज्यादा देख नहीं पाता। कमेंट्स ये है कि हाँ मैं कभी कभी पढ़ लेता हूं आप लोग कमेंट्स। चलो बहुत बढ़िया, सुनो अब देखिए बात करते हैं बेटा कि बहुत ही पहला क्वेश्चन बनेगा कि 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, एग्जामिनेशन में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी तो यहां पे कितने क्षेत्र थे जो उसमें शामिल किए गए थे? तो ये बता दूं मैं आपको मेरे साथियों कि 1973 में भारत के 9 क्षेत्र थे, कितने पे 9 इलाके थे जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे, जिसमें पहला देखिए कौन सा, बांदीपुर है। ये बांदीपुर कहां पड़ता है? कर्नाटक में। कहां पड़ता है बच्चे? कर्नाटक में। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहां आता है, वो आता है कर्नाटक में, 1973 में शामिल किया गया इसे। फिर देखिए कौन सा पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो कहां पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर। देखिए जब यहां पे जिम कॉर्बेट को शामिल किया गया था ना तो उसमें ये उत्तर प्रदेश था। क्या था बच्चा? यहां पे उत्तर प्रदेश था 2000 के अंदर, यहां पे इन द ईयर 2000 यहां पे उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा अलग कर दिया गया, नया राज्य बना कौन सा? उत्तराखंड। तो हो सकता है माइट भी ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ दें कि जब यहां पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया तो उस समय जिम कॉर्बेट यहां पे किस राज्य का भाग था? अगर ऑप्शन में उत्तराखंड भी आ जाए, उत्तर प्रदेश भी आ जाए, देखिए मुझे पता कि आप लोग यहां पे जिम कॉर्बेट को सुनोगे और भावनाओं में बह जाओगे और बिना देखे ऑप्शन को लगा दोगे ऑप्शन पे कौन सा? उत्तराखंड। लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी ने इस तरह से भी ये क्वेश्चन को बदल दिया था। भी मैंने प्रीवियसली पेपर्स देखे थे जिसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि 1973 में जब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को यहां पे राष्ट्रीय उद्यान यहां के प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया तो वो किस राज्य में शामिल था? ऑप्शन में उत्तराखंड और यहां पे उत्तर प्रदेश दोनों दिए थे। बच्चों ने आंसर लगा दिया सर उत्तराखंड, लेकिन सही आंसर क्या था? थे उत्तर प्रदेश। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जगदीश चौधरी पूछे सर कर्करेखा की लंबाई कितनी है? नालायक सुनो बच्चे, जब आप एक टॉपिक पे रहा करें ना तो एक टॉपिक पे रहा करो। मैं जब कर्करेखा की बात करूंगा बेटा उसमें बात करेंगे, डोंट वरी, हम सब बात करेंगे। आई एम नॉट हियर टू टेस्ट माई नॉलेज, यू आर इवन नॉट हियर बेटा। मैं अपने नॉलेज का टेस्ट दे चुका हूं जिस कारण से मैं इस प्लेटफॉर्म पे इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हूं। तो अगर सीखने होंगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है चलिए बच्चे, यहां पर हम जब बात करते हैं तो बांदीपुर है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। बच्चे सुनो देखिए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान में से एक है। अगर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए बच्चे आप लोगों से तो यहाँ पे कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। फिर मानस नेशनल पार्क के बच्चे मेलघाट है जो पड़ता है कहां पे? महाराष्ट्र में। मेलघाट कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। पलामाऊ ये पड़ता है झारखंड के अंदर, लेकिन उस समय झारखंड नहीं था बच्चे, उस समय कौन सा राज्य था? बिहार था। ठीक है चलो, फिर देखिए रणथंभौर कहां पड़ता है? राजस्थान में। सिमलीपाल पड़ता है उड़ीसा में। और सुंदरबन कहां पड़ता है बच्चे? यहाँ पे ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो स्टार्टिंग के ये 9 इलाके हैं जिसे शामिल किया गया, किसमें मेरे साथियों? जिसे शामिल किया गया कहां पे? प्रोजेक्ट टाइगर में। क्या आपको ये सारी बातें क्लियर है बच्चे? जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, आपके चैट सेक्शन देख ले मैं। ओके परफेक्ट, जल्दी से बताओ बच्चे कि यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं।
चलिए बच्चे देखो, अब देखिए आपको बता दो, सुनो ध्यान से, यहां पे हम जब बात करते हैं 2006 में, तो 2006 में भारत में जो बाघों की संख्या थी वो थी यहां पे 1411, 2010 में भी थी यहां पे 1706, 2014 में भी यहां पे 2226, और यहां पे देखिए 2019 में जब यहां पे पशु जनगणना की गई थी राष्ट्रीय बाघ दिवस के आधार पे, अच्छा राष्ट्रीय बाघ दिवस क्यों मनाते हैं तो याद कर लीजिए मेरे साथियों, तो इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को, कब मनाते हैं बच्चे 29 जुलाई को, तो प्रति वर्ष यहां पे 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। अब 29 जुलाई को जब यहां पे देखिए बाघ रिपोर्ट आई थी मेरे साथियों कि भारत के अंदर कितने बाघ बच्चे हैं, तो ये बहुत ही प्यारी बात सुनो ध्यान से, तो अभी यहां पे लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि भारत में टोटल जो बाघों की संख्या है वो है 2967, तो लगभग 3000 जो बाघ हैं अभी भारत में मिलने वाले हैं। तो भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है तो 2967 है, जिसमें से सबसे ज्यादा बाघ यहां पे किस राज्य में है तो सबसे ज्यादा बाघ है मेरे साथ किस राज्य के अंदर, मध्य प्रदेश में। यस, तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए बच्चे कि भारत में वर्तमान में सबसे ज्यादा बाघ किस राज्य के अंदर है तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश को एक नाम और दिया गया मेरे साथियों जिसे बोलते हैं टाइगर स्टेट। भारत के किस राज्य को यहां पे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है तो याद कर लीजिएगा मेरे साथियों कि नदियों का मायका टाइगर स्टेट, मध्य प्रदेश, मध्य भारत, हृदय प्रदेश, ये सारे के सारे नाम यहां पे किस राज्य के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। तो मध्य प्रदेश को बेटा कहते हैं क्या पे बाघ प्रदेश भी कहते हैं, और 524 यहां पे बाघों की संख्या के साथ, यहां पे 524 यहां पे बाघों की संख्या के साथ भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है बाघों की संख्या की दृष्टि में, टाइगर्स की संख्या की दृष्टि में, वो कौन सा पे कर्नाटका है। पिछले कुछ सालों में कर्नाटका आगे चल रहा था लेकिन 2019 में दोबारा से मध्य प्रदेश कहां चला गया बच्चे यहां पे आगे चला गया। और ये बात और समझिएगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट टाइगर के क्षेत्र हैं, भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं, वो मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश में 7 इलाके हैं बच्चे, मध्य प्रदेश में 7 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। जल्दी से बताओ यहां तक की सारी बातें क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। चलो चलिए बच्चे देखो, अब देखिए हम जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, जरा समझिएगा। देखिए बच्चे, भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। देखिए मैं भारत की सबसे बड़े नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा, भारत में सबसे बड़ा नेशनल पार्क अलग है और भारत में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो अलग है, ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है मेरे साथियों। तो भारत में हम जब बात करते हैं सबसे बड़े यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, सबसे बड़े यहां पे देखिए टाइगर रिजर्व के बारे में, तो भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है मेरे साथी वो है नागार्जुन श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। तो जो नागार्जुन श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर का इलाका है, ये जो टाइगर रिजर्व है, ये 5-5 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें कर्नूल जिला में मेरे साथियों प्रकाशम है, गंटूर है, नलगोंडा है और महबूब नगर है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा पे, तो याद कर लीजिएगा बच्चे यहां पे कौन सा है, आंसर है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और कितने राज्यों में है, एक राज्य में है, कितने जिलों में है, 5 जिलों में है। अगर हम बात करते हैं भारत का सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जो टाइगर रिजर्व है बच्चे वो कौन सा पे, वो है बोर वन्यजीव अभयारण्य। ये जो बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। यस मेरे साथियों, जो बोर वन्यजीव सेंचुरी है इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। और ये कहां पड़ता है बच्चे, ये पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, जो जिला पड़ता है कौन सा, वर्धा। और किस नदी किनारे है, वर्धा नदी किनारे है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे ये भारत का सबसे छोटा यहाँ पे क्या है मेरे साथियों, अभ्यारण भी है, यहाँ पे टाइगर अभ्यारण भी है। एग्जामिनेशन में इस प्रकार से चीजें आपसे पूछी जाएंगे। चलो फिर क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व है कौन सा है, तो भारत का सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व बच्चे वो कौन सा पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और भारत के अंदर मैं बता चुका था कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो यहां पर किस राज्य में पड़ता है, उत्तराखंड में है, उस समय की उत्तर प्रदेश में, वर्तमान के उत्तराखंड में। और किस नदी किनारे है बच्चे, तो ये पड़ता है किस नदी किनारे, तो आंसर है राम गंगा नदी किनारे। जल्दी से बताओ यहां तक की सारी बातें चमकी कि नहीं चमकी है, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चे,
अब एक छोटा सा एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं, एक छोटा सा बेटा होमवर्क क्वेश्चन है, अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा लेकिन एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे कि टोटल यहां पे प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं इंडिया में, कि भारत के अंदर अभी टोटल कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। बच्चे सुनो, चलिए बच्चे सुनो, अब देखिए भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए भी यहां पे बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो आपसे एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन पूछे, बच्चे जल्दी से ये बता दो कि विश्व के अंदर यहां पे विश्व एलिफेंट डे कब मनाया जाता है, तो विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है मेरे साथ, देखिए 12 अगस्त को, यस। तो यहां पे विश्व एलिफेंट दिवस कब मनाते हैं बच्चे, पे एलिफेंट दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को मनाते हैं। और भारत में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जहां पे हाथियों को संरक्षित किया जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए असम के, असम में देखिए काजीरंगा है, मानस नेशनल पार्क है, केरल के अंदर मेरे साथियों यहां पे हम जब बात करते हैं तो पेरियार नेशनल पार्क है जहां पे हाथियों को संरक्षित किया जा रहा है। और हाथियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए ना भारत में बहुत सारे यहाँ पे हाथियों के कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं, यहाँ एलिफेंट कॉरिडोर्स का विकास भी किया जा रहा है। अब हम जब बात करते हैं भारत के, देखिए 7 यहाँ पे प्राकृतिक क्षेत्र हैं, भारत के यहाँ पे 7 यहाँ पे नेचुरल एक ऐसे इलाके हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के अंदर मेरे साथियों यहाँ पे कितने जो प्राकृतिक इलाके हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो 7 है, जिसमें काजीरंगा, मानस, केवलादेव, सुंदरबन, नंदा देवी, ग्रेट हिमालय और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को कब शामिल किया गया है, तो आंसर यहां पे 2012 में। अब हम बात करते हैं कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सुनो, भारत में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से बनेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व को बच्चे हम क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैव मंडलीय क्षेत्र कहते हैं। एग्जामिनेशन में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में यहां पे जैव मंडल का मतलब क्या होता है, जरा सुनिए, एक ऐसा इलाका जहां पे फ्लोरा और फोना दोनों का विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा हो, एक ऐसा क्षेत्र मेरे साथियों जहां पे वनस्पति और यहां पे जीवों का विकास के लिए सारी की सारी सुख सुविधाएं मिलने वाली है, उन्हें बोलते हैं जैव मंडलीय क्षेत्र। और भारत में हम जब बात करते हैं वर्तमान दृष्टि की, तो वर्तमान भारत में यहां पे कितने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, तो याद कर लीजिएगा कि भारत में अभी तक यहां पे 18 यहां पे बायोस्फीयर रिजर्व है जो बनाए गए हैं। एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि भारत में मेरे साथियों पे कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो याद कर लीजिए यहां पे कितने, यहां पे 18 है। अब क्वेश्चन बनता है देखिए बहुत ही इंडिया बहुत ही प्यारा कि भारत में सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व कब बना था, तो भारत में सबसे पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व मेरे साथियों कौन सा, देखिए यहां पे नीलगिरी है, और नीलगिरी को शामिल किया गया किस वर्ष में, यहां पे 1986 में। एग्जामिनेशन में बच्चे ये क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से कि भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा पे, नीलगिरी है। आप देख पाएंगे ये है नीलगिरी मैप के अंदर, नीलगिरी कहां पड़ता है, जहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिल जाते हैं, वो क्षेत्र कौन सा पे, नीलगिरी है। और आप जानते हैं यहाँ पे कि नीलगिरी की हम जब बात करेंगे तो ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है जो अपने बहुत सारे क्षेत्रों के लिए फेमस है। और दोदा बेटा कौन सा, यहाँ पे दोदा बेटा, ये मेरे साथ दोदा बेटा इसकी सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, इसकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। क्या आपको यहां तक की बातें क्लियर है, जल्दी से बताओ मेरे साथी। चलो, तो भारत का सबसे पहला जो यहां पे बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा पे, नीलगिरी है, जैसा मैंने आपको भी स्क्रीन पर बता दिया है। और ये कहां पड़ता है, इन द पोर्शन ऑफ द तमिलनाडु केरला, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की, तो भारत का सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चे वो कौन सा पे, कच्छ, रन ऑफ कच्छ, यस। तो यहाँ पे कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का सबसे छोटा, बच्चे पूछेंगे आपसे, तो भारत का सबसे छोटा है डिब्रू साइखोवा, कौन सा बच्चा पे, डिब्रू साइखोवा है। तो भारत का सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है, डिब्रू साइखोवा है। मध्य प्रदेश की जब बात करते हैं बच्चे, तो मध्य प्रदेश में 3 है, जिसमें पचमढ़ी है, जिसमें अचनकमार है, जिसमें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, ये पन्ना जैव मंडलीय क्षेत्र बनाए गए हैं।
यदि आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये बता दीजिए कि भारत के किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, तो बच्चे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पे जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां पर है, जयमंडल क्षेत्र कहां पर है, मध्य प्रदेश में। जयमंडल क्या होता है बच्चे कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे वनस्पति और जहां पे बहुत सारे जीव एक साथ बन सकते हैं, एक साथ पनप सकते हैं, उन्हें बोलते हैं जयमंडल क्षेत्र। आपने पढ़ा होगा कि देखिए जहां पर लिथोस्फीयर, जहां पे हाइड्रोस्फीयर, जहां पे एटमॉस्फेयर का संगम होता है उसे बोलते हैं बायोस्फीयर, उसे बोलते हैं जयमंडलीय क्षेत्र। अरे मेरे साथियों, एक ऐसा इलाका जहां पे जीवन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसे बोलते हैं जयमंडलीय क्षेत्र। इसको लेके हम यहां पर कभी और डिटेल से बहुत अच्छी तरह से वर्णन करेंगे। चलो, तो ये सारे के सारे जयमंडलीय क्षेत्र है जो आपको मैंने बता दी है, आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो अब देखिए बच्चे, हम बात करते हैं पक्षी यहाँ पे विज्ञान के बारे में। सुनो, आजकल देखिए आपने बहुत ही न्यूज में सुना होगा सर कि 5G टेस्टिंग के कारण यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। कई लोग तो यहाँ पे भ्रांतियां फैला रहे हैं कि 5G टेस्टिंग के कारण यहाँ पे कोरोना आया है, ऐसा नहीं है मेरे साथ, ये दोनों चीजें अलग अलग है। देखिए 5G की जब बात करते हैं तो रेडिएशन तो होता है नो डाउट, और ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि 5G टेस्टिंग से देखिए पक्षियों की मौत होती है। देखिए ऐसा मैं कह नहीं सकता या ऐसा हम कह नहीं सकते, जो भी हो वो अलग चीज है, लेकिन वैज्ञानिकों की जो खोज है वो अलग है। आप लोगों ने अगर यहाँ पे मूवी देखी होगी ना रोबोट 2, तो रोबोट 2 के अंदर ये जो सीन है कुछ ऐसा दिखाया गया था। तो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों के अध्ययन को मेरे साथियों बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। और मेरे पीछे आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख पा रहे हैं ये है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्हें बोलते हैं सलीम अली। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मेरे साथियों कि जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा गया, तो आंसर है सलीम अली को। लेकिन 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 अगर क्वेश्चन ही पूछा जाए आपसे कि यहां पे भारत में द फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी किसे कहा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी कहा गया पे A.O. ह्यूम को। यस मेरे साथियों, आपको बता दो ये सारे के सारे भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है, लेकिन भारत में द फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी किसे कहा गया है, तो भारत में फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी किसे कहा गया है, तो आंसर है A.O. ह्यूम को। यस मेरे साथियों, ये वही A.O. ह्यूम है जिनके सहयोग से 1885 में बंबई के अंदर यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आपको पता होगा मेरे साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने के पीछे एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिनका नाम है A.O. ह्यूम। ये वही A.O. ह्यूम है मेरे साथियों जिनके सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, एलन ऑक्टिवन ह्यूम, जिनका पूरा नाम है एलन ऑक्टिवन ह्यूम। तो ये सारी की सारी बातें आपको मैंने बता दी है डिटेल से। अब देखिए हम जब बात करते हैं सलीम अली की, तो भारत में हम जब बात करते हैं सलीम अली के बारे में, तो सलीम अली को कहा जाता है द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। आपको शायद पता होना चाहिए कि देखिए रोबोट मूवी के अंदर यहाँ पे जो किरदार था, आप देख पाएंगे ये जो किरदार है ये कहीं ना कहीं प्रभावित है किस पे, सलीम अली से, जो द रियल पक्षीराजन ऐसे कह सकते हैं आप लोग। लेकिन वो थोड़ा निगेटिव कैरेक्टर हो गया था, ये निगेटिव कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत ही फेमस व्यक्ति माने गए थे। तो मैं बता रहा हूं, देखिए एक्चुअल में देखा जाए तो पक्षी यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए मेरे साथियों, तो सलीम अली जो अपनी फील्ड में बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं पक्षी विज्ञान में और पक्षियों के बारे में जो नॉलेज है, इनसे ज्यादा किसी के बारे में थी नहीं। अब इन्हीं को लेके, इन्हीं को समर्पित मेरे साथियों तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक सेंटर स्थापित किया गया जिसका नाम है सैकॉन। सैकॉन की जब बात करते हैं उसका पूरा फुल फॉर्म यहाँ पे सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे मेरे साथियों, तो भारत में पक्षी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कौन सा सेंटर है जो स्थापित किया गया है, तो भारत में पक्षी विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सैकॉन को स्थापित किया गया है जिसका नाम यहाँ पे क्या है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जिसे हिंदी में या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सैकॉन कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। कहां पर है ये, पड़ता है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। और पक्षी वैज्ञानिक थे बहुत ही फेमस यहाँ पे, ऑर्निथोलॉजिस्ट थे मेरे साथियों जिनका नाम यहाँ पे क्या है, सलीम अली, उन्हीं के नाम पर इसे बनाया गया है। तो जल्दी से बताओ मेरे साथियों कैसा लगा ये सारा का सारा चीज है, क्या कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला अभी तक फटाफट से साथियों कमेंट सुखने नहीं चाहिए, जल्दी से बताओ मुझे साथियों फटाफट से कि कैसे लगी आपको ये सब चीजें, अभी तो बहुत कुछ बताना मुझे आपको।
मुझे जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर।